गाइस हम इस वीडियो पे बात करेंगे फेक कलेक्शन के बारे में। फिर से वही सलार वाला सिलसिला अभी से स्टार्ट हो चुका है कि मेकर्स ज्यादा दिखा रहे हैं, पोर्टल पे कम दिखा रहे हैं, फेक कलेक्शन आ रहा है, मेकर्स ज्यादा करके फेक कलेक्शन दिखा रहे हैं। ये जो सिलसिला था एक्चुअली में फिर से शुरू हो चुका है कल की जो 980 मूवी के साथ। कई सारे यूट्यूबर इसके ऊपर इस तरह का वीडियो बनाने लग चुके हैं। ओके, तो उसके ऊपर हम बात करेंगे। लेकिन आप सभी को मैं एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ, ये मेरी पर्सनल है, आप मुझे जरूर कमेंट करना इसके ऊपर, मतलब इसका आंसर जरूर कमेंट करिएगा। यार, एक इंसान की मेहनत को सराहना चाहिए या फिर उसकी पहचान को? मतलब पहचान बड़ी होती है या फिर उसकी मेहनत बड़ी होती है? मेहनत के ऊपर प्यार मिलना चाहिए या फिर उसकी पहचान पे सहानुभूति मिलना चाहिए? समझ गए शायद मेरी क्वेश्चन, आप लोग कमेंट जरूर करिएगा, ठीक है? कि क्या है, किसकी अहमियत ज़्यादा है, आपकी मेहनत को सराहना जा रहा है तो वो सही है या फिर आपकी पहचान के ऊपर सहानुभूति मिल रही है तो वो सही है? जरूर कमेंट करिएगा। ओके, चलिए अभी हम बात करते हैं फेक कलेक्शन के बारे में। फिर से कल की 980 मूवी के साथ वही सलार वाला सिलसिला स्टार्ट हो चुका है। डायनासोर की चाल कुछ इस तरह का भी मतलब टाइटल वगैरह लिखने लगे हैं लोग, कुछ इस तरह का है। गाइस सबसे पहले हम बात करेंगे कि फेक कलेक्शन आखिरकार कोई मेकर्स करेगा क्यों, मतलब ज्यादा कलेक्शन दिखाएगा क्यों? ज्यादा कलेक्शन दिखाने से, ओके, फेक कलेक्शन जिसको हम कह रहे हैं, ज्यादा कलेक्शन दिखाने से फिल्म को और वो मेकर्स को फायदा क्या होगा? क्या ज्यादा कलेक्शन दिखाने से उसको ज्यादा पैसा मिल जाएगा? नहीं मिलेगा, जितना मिलना चाहिए उतना ही मिलेगा, जितना कलेक्शन हुआ है उतना ही उसके जेब में जाएगा। लेकिन फेक कलेक्शन वो क्यों दिखाएगा, ज्यादा कलेक्शन वो क्यों दिखाएगा? उसका सिर्फ एक ही मोटिव हो सकता है कि वो लोगों को ये बताना चाहेगा कि हमारा फिल्म जो है वो बहुत अच्छी फिल्म है, लोग इसको देख रहे हैं और फिल्म अच्छा कलेक्शन कर रहा है। जो लोग नहीं देख रहे हो आप भी देखो, क्योंकि कलेक्शन हो रहा है मतलब लोग देख रहे हैं, लोग देख करके एंजॉय कर रहे हैं तो आप भी देखो, आप भी एंजॉय करो। ये एक मोटिव हो सकता है जहां पे रिव्यूअर्स लोग, क्रिटिक्स लोग फिल्म की क्रिटिसाइज करते हैं, फिल्म की आलोचना करते हैं और फिल्म को नीचे गिरा देते हैं, मतलब फिल्म लोगों को पसंद नहीं आती, मतलब रिव्यूअर लोगों को पसंद नहीं, नेगेटिव रिव्यू आती है, वर्ड ऑफ माउथ गलत आता है, तो उस टाइम पे मेकर्स जो है फेक कलेक्शन दिखाते हैं और फेक कलेक्शन दिखा करके वो एक प्रमोशन का जरिया होता है कि हमारा फिल्म जो है इतना कलेक्शन कर चुका है, आप भी आकर के हमारी फिल्म को देखो। ये एक मोटिव रहता है हर एक मेकर्स की, मैं इतना मान सकता हूं कि फेक कलेक्शन में यही रह सकता है। नहीं तो फेक कलेक्शन दिखाने से क्या, ज्यादा कलेक्शन दिखाने से तो ज्यादा कलेक्शन मेकर्स की जेब में नहीं आ जाएगा। ओके, तो यहां पे सोचने वाली बात यह है कि कल की 2980 मूवी का कुछ इस तरह का मसला है क्या यहाँ पे? क्या लोगों को फिल्म पसंद नहीं आई है क्या? क्या लोगों का रिएक्शन गलत आ रहा है क्या? क्या फुटफॉल्स कम देखने को मिल रहा है क्या? क्या थिएटर का रिएक्शन एकदम से नेगेटिव है क्या? नहीं, लोग तो काफी एंजॉय कर रहे हैं, लोग तो तारीफ करते थक नहीं रहे हैं, फिल्म का तारीफ हर तरफ चल रहा है, तो इस तरह का काम वो लोग क्यों करेंगे, क्यों करेंगे बताओ? यहां पे कोई नेगेटिविटी नहीं चल रही है कि फेक कलेक्शन दिखा करके ये लोग पॉजिटिविटी खींचेंगे और फिल्म के तरफ लोगों को अट्रैक्ट करेंगे। लोग तो फिल्म के साथ जुड़े हुए हैं, फिल्म के साथ जुड़े हुए हैं, फिल्म जिस तरह से ये लोग प्रेजेंट कर रहे हैं उस फिल्म के साथ लोग कनेक्टेड हो चुके हैं, लोग फिल्म का बहुत ज्यादा तारीफ कर रहे हैं, हर तरफ पॉजिटिविटी ही चल रही है। तो मेकर्स इस तरह से फेक कलेक्शन दिखा करके क्या साबित करना चाहते हैं? तो ये तो नहीं है। दूसरी बात, ये फेक कलेक्शन का मसला, ये फेक कलेक्शन जो यूट्यूबर लोग बता रहे हैं, एक्चुअली प्रूफ दे करके बता रहे हैं, वो प्रूफ कहां से लाया जा रहा है? सेकनिल से। ओके, सेकनिल पोर्टल में जो कलेक्शन दिखा रहा है वही कलेक्शन को ट्रैक करके, मतलब वही कलेक्शन को ले आकर के स्क्रीनशॉट वगैरह दिखा करके बता रहे हैं कि फेक कलेक्शन है, ठीक है? तो गाइस मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा, सेकनिल में जो ओवरऑल कलेक्शन दिखा रहा है, वर्ल्ड वाइड कलेक्शन जो दिखा रहा है, उसी कलेक्शन को ले आकर के लोग वीडियो बना रहे हैं और बता रहे हैं कि फेक कलेक्शन है। लेकिन जब हम डिटेल्स में जाते हैं, थोड़ा सा डिटेल्स में जाते हैं, इसी वजह से मेरी बॉक्स ऑफिस कलेक्शन का वीडियो नहीं चल रहा है मेरे भाई, क्योंकि मैं सेकनिल का वो सारे डिटेल्स के बारे में नहीं बता रहा हूं। सेकनिल का जब भी मैं कोई वीडियो लेकर के आता हूं सेकनिल की तरफ से, तो मैं बस ट्रैकिंग को देखता हूं कि आज कितना कलेक्शन हो चुका है। ओके, दो घंटे के ऊपर, तीन घंटे के बाद जो कलेक्शन वगैरह जो दिखाता है ना, कि एक दिन में कितना हो रहा होता है, कि अभी 8 करोड़ हुआ, फिर बाद में 10 करोड़ हुआ, जो चीज होता है उससे मैं अंदाजा लगाता हूं कि भाई डे वन मतलब आज के दिन में कितना कलेक्शन हो रहा है, रेट क्या है और कितना जा सकता है, बस वही चीज को मैं वहीं से ट्रैक करता हूं, क्योंकि वो चीज ट्रैक करने के लिए और कोई मतलब जरिया नहीं है ना, इसी वजह से। लेकिन सेकनिल का ओवरऑल कलेक्शन मैं आप लोगों को नहीं दिखा रहा हूं, इसी वजह से मेरे बॉक्स ऑफिस कलेक्शन का वीडियो चल ही नहीं रहा है, मतलब एकदम से डाउन हो गया है व्यूज मेरा कल की 2980 मूवी का। तो गाइस मैं सेकनिल के बारे में आप लोगों को बताना चाहूंगा, सेकनिल का जब हम डिटेल वाला वीडियो देखते हैं तो वहां पे चोरी पकड़ी जाती है। देखो, ओवरसीज वाला पॉइंट को हम देखते हैं, ओवरसीज का जो कलेक्शन है सेकनिल का, तो वहां पे सेकनिल ना पर डे
2 से 3 करोड़ बढ़ा रहा है भाई ओवरसीज का, ओवरसीज का 2 से 3 करोड़, बस 2 से 3 करोड़ ही बढ़ते हैं ओवरसीज का सेक्निल की तरफ से, ठीक है। लेकिन जब हम ऑफिशियल प्रथम गिरा सिनेमा जो कि नॉर्थ अमेरिका का ये डिस्ट्रीब्यूटर है, ऑफिशियल डिस्ट्रीब्यूटर है, ओके, तो प्रथम गिरा सिनेमा की तरफ से हमें जो ऑफिशियल तरीके का जो मतलब कलेक्शन वगैरह देखने को मिल रहा है कि पर डे कितना हुआ, वो पोस्टर वगैरह जब देखने को मिल रहा है, तो भाई सिर्फ और सिर्फ नॉर्थ अमेरिका का 4 से 5 करोड़ पर डे कलेक्शन हो रहा है। जब आप पोस्टर देखते हो तो सिर्फ और सिर्फ नॉर्थ अमेरिका का 4 से 5 करोड़ कलेक्शन हो रहा है, सिर्फ और सिर्फ नॉर्थ अमेरिका, ओवरसीज का नहीं सेकंड, लेकिन ओवरसीज का दिखा रहा है 2 से 3 करोड़। तो बताओ तो घोटाला कहां पे हो रहा है, है? भाई यहां पे घोटाला नहीं है, सेकंड ना प्रॉपर तरीके से हर तरफ से भाई वो ट्रैक नहीं कर पा रहा है, ठीक है ना, जितना उसके पास आ रहा है ना उतना ही दिखा दे रहा है, ओवरऑल जो है वो नहीं दिखा रहा है। मेरे समझ में यहां पे नहीं आता, ये समझ में नहीं आता कि वो इन सारी चीजों का, देखो मैं जैसे आपको बताया कि नॉर्थ अमेरिका का सिर्फ 4 से 5 करोड़ है तो ओवरसीज का तो डेफिनेटली ज्यादा होगा, तो सेकंड उसको 2-3 करोड़ क्यों दिखा रहा है भाई, है ना। अगर तो वहां पे एस्टिमेटर लिखना चाहिए ना, एस्टिमेटर लिखना चाहिए ताकि लोगों को ये जो डायरेक्टली ये जो फेक कलेक्शन बताया जा रहा है वो तो कम से कम नहीं होता। और ऊपर से क्या होता है कि टिकट प्राइस जो है जगह जगह पे अलग अलग होते हैं, तो बहुत सारी चीजों के बारे में भी सेक्लेल को पता नहीं होता है शायद, तो इसी वजह से वो एवरेज टिकट प्राइस करके इस कलेक्शन को कम दिखा रहा है, इसी वजह से 50-60 करोड़ तक का कलेक्शन जो है कम हो रहा है, और वो चीज को ये लोग बता रहे हैं कि फेक कलेक्शन है। तो इस तरह का खेल हो रहा है भाई, ओके, और चल रहा है यार, धंधा चल रहा है सच बताएं तो। लेकिन देखो मैं यहां पे एक चीज कहना चाहूंगा, आप लोग मेकर्स की मानो या फिर ये सेकंडल का मानो, ठीक है ना, जिसका भी मानना है मानो मेरे भाई, कलेक्शन तो ज्यादा है, पब्लिक रिएक्शन तो कमाल है, वहां पे कोई फेक नहीं है, ठीक है ना। अगर आप सेकंडल को भी मान करके चलोगे तो कल की 2980 मूवी इस तरह का कलेक्शन कर रहा है कि वो 1000 करोड़ वहीं पे भी ये हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। और अगर मेकर्स के मान करके चलोगे तो आपको एक्यूरेट नंबर भी देखने को मिलेगा भाई, जो चीज बेच रहा है वो एक्यूरेट नंबर दिखाएगा ना, है वो एक्यूरेट नंबर दिखाएगा ना। और वैसे भी ये कोई ऐसा फिल्म नहीं है जहां पे नेगेटिविटी चल रहा हो, लोगों को पसंद नहीं आ रहा हो, जो कि मेकर्स यहाँ पे गेम खेल रहे हैं कि हम चलो कलेक्शन थोड़ा ज्यादा दिखा करके फिल्म का अलग तरीके का प्रमोशन करेंगे, ऐसी बात तो नहीं है भाई यहाँ पे, है ना। फिल्म को तो सब लोग पसंद कर रहे हैं, सब लोग थिएटर में जाकर के एंजॉय कर रहे हैं, ओके, सब लोग अपना अपना ब्लॉग देखो आप, है ब्लॉग देखो पब्लिक का, थिएटर का जो रिएक्शन वगैरह जो शूट करते हैं, फिल्मी फीवर वगैरह जो यूट्यूब चैनल जो है वहां पे देखो आप जाकर के, ओके। फिर अगर आप ये भी नहीं कर सकते तो कल की 2980 मूवी का जितना भी ऑफिशियल इंस्टाग्राम अकाउंट हो गया, ट्विटर हो गया, तो वहां पे देखो, वहां पे भी मेकर्स खुद पब्लिक का रिएक्शन बता रहे हैं, तो वो क्या फेक है क्या, ये लोग लोगों को खरीद करके लेकर के जा रहे हैं चलो फिल्म देखो हमारा, ऐसा बोल रहे हैं क्या, तो कहां का फेक है, ओके। तो गाइस जिसको फेक कलेक्शन बोलना है बोलो, जिसको सेकंडल को पकड़ना है पकड़ो, जिसको जो कलेक्शन जो 50-60 करोड़ तक का कम देख रहे हो ना वो भी देखना है तो देखो भाई। जो हेटर्स है ना, जो ये सारी कलेक्शन ये माहौल को सहन नहीं कर पा रहा है भाई, उसका लिटरली जलेगा ही जलेगा, क्योंकि ये ना पोर्टल में भी 1000 करोड़ करेगा और ऑफिशियल तरीके से जो मेकर्स छोड़ रहे हैं ना वहां पे भी 1000 करोड़ करेगा डेफिनेटली, ये तो होना ही होना है, ओके। तो गाइस अब प्लीज इन सारी पोर्टल के चलते ना अपने चैनल को आप थोड़ा ये अवॉइड मत करो यार, ठीक है ना। मैं इन सारी चीजों को तो नहीं दिखा सकता, ठीक है ना, मैं इन सारी चीजों को नहीं दिखा सकता है कि भाई यहाँ हुआ है वो हुआ है ये सब कुछ, ठीक है। जो सही है ना, जो मेकर्स बोल रहे हैं, जो ऑफिशियल तरीके से आ रहा है वो सही है, वही हम बोलेंगे और उसके ऊपर भी वीडियो बनाएंगे, चाहे उसका मतलब व्यूज डाउन हो जो हो, आप लोग ध्यान दो ना दो क्या पता, ओके। कल की 2980 मूवी के टाइम पे मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला है, इसी वजह से आप सभी का धन्यवाद तय दिल से कि आप लोग मुझे सच्चाई से रूबरू कराए, ये मुझे बहुत अच्छा लगा लिटरली, ओके। होपफुली वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे, टेक केयर। कोई फेक कलेक्शन नहीं है भाई, अगर कोई फेक कलेक्शन बोल रहा है ना तो उसका जलन हो रहा है और वो जलन उसका बढ़ेगा ही बढ़ेगा, जहां पे देख रहा है ना भाई, वो जितना भी कम करे वहां पे भी 1000 करोड़ जरूर होगा, देख लेना, ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे।